भारत में इस टाइम हिंदू समाज में बंटवारा हो रहा है ना जी, जो मजहब के नाम से बंटवारा कर रहे हैं या विशेष नस्ल के नाम से बंटवारा कर रहे हैं, उनको एकजुट करने की दिशा में मैंने ये बात कही है। जैसे कि आप मानते हो कि वर्तमान समय में भारत में एक जो कहते हैं कि भाई सेकुलरिज्म पालती या धर्मनिरपेक्ष पालती, जैसे कि आप इसमें ले लो मतलब कुछ, जैसे मायावती को ले लो है ना, बहुजन समाज पार्टी या सपा के ले लो या और भी बहुत सारे पार्टियां हैं, उनमें कुछ लोग ऐसे आए हैं जो संविधान के रक्षक कहते हैं अपने आप को। क्या कहते हैं? संविधान के रक्षक। उसमें कहते हैं कि हम मनु की मनु विरोधी है, हम मनु वालों को ख़त्म कर देंगे। तो मैंने उसमें आज के वायरल में ये कहा है कि हम चारों वर्ण मनु के संतान हैं। कौन है? हम सब मनु के संतान हैं, क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य, हम चारों मनु के संतान हैं। हमें अपने समाज को एकजुट करने में काम करना चाहिए, ना कि देश को बांटने या धर्म के नाम से किसी बहाने से समाज सनातन का जो एक अंग है उसको काट के अलग अलग करें। तो मैंने आज यही कहा है कि भाई मनु का विरोध ना करें, शत्रुपा का विरोध ना करें, और ना ही तो जो अपने हाथों में आप अपने हाथों से पैरों में कुल्हाड़ी मार रहे हो, थोड़ा अपने जड़ को ढूंढो। आप भी मनु के संतान हैं, आप भी ब्रह्मा जी के संतान हैं, आप भी ऋषि मुनियों के वंशज हैं। हाँ, आप जो कहते हो कि भाई हम भीम आर्मी के जो चेले हैं, हम मीम से हाथ मिलाकर, मुसलमानों से हाथ मिलाकर, हाँ ब्राह्मणों को और क्षत्रियों को और जो वैश्य हैं, जो ये कहते हैं कि हम ऊँचे जाति के लोग हैं, हम इनको ख़त्म कर देंगे, ये आपके लिए अपने पैरों में कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं है। मुसलमानों के इतिहास आप जानते हो, भारत में ये चोर डाकू बनकर आए थे और यहीं बच गए थे और इन्होंने अपना अत्याचार किया है। तो इनके साथ हाथ ना मिलाओ। आप जो चार वर्ण हैं ये सनातन के अंग हैं, इन आप लोग अलग अलग मत हो। हम चारों वर्णों के बगैर सनातन नहीं चलेगा। बस इतनी सी बात बोलिए।